अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट्स, बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट पे, जो आपके सामने प्रस्तुत करता है इतिहास से जुड़े कुछ ऐसे खास फैक्ट्स और महत्वपूर्ण घटनाओं को, जो आपकी इन सभी आगामी गवर्नमेंट परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इम्पोर्टेंट है। अलोंग विद दिस लेक्चर के अंत में हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ बेहद लाभदायक प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी, विच विल बी बेस्ड ऑन ऑल द फैक्ट्स दैट वी डिस्कस इन दिस लेक्चर। तो आप अवश्य ही आज के सभी फैक्ट्स को ध्यान से समझते हुए इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के उत्तर देने का अवश्य प्रयास कीजिए, और इनके उत्तर आप हमारे साथ लगातार शेयर करते रहिए इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से भी आपको इन सभी आने वाले एग्जाम्स में बेहद हेल्प मिलेगी। तो आइए दोस्तों, अब शुरू करते हैं 29 अप्रैल अर्थात आज के दिनांक से जुड़े हमारे सभी इम्पोर्टेंट ऐतिहासिक फैक्ट्स की। सबसे पहला फैक्ट आज का संबंधित है 1848 से, जब सेलिब्रेटेड इंडियन पेंटर राजा रवि वर्मा वाज बोर्न, अर्थात प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म आज ही के दिन हुआ था। ही वाज अ सेलिब्रेटेड इंडियन पेंटर एंड आर्टिस्ट, और इन्हें माना जाता है एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेंटर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट। इनकी रचनाएं विशुद्ध रूप से भारतीय संवेदनशीलता और आइकोनोग्राफी के साथ यूरोपियन एकेडमिक कला के संलयन का सबसे यूनिक उदाहरण है। इनका संबंध रेस्टवाइल प्रिंसली स्टेट ट्रेवनकोर से था, जो वर्तमान समय में केरला राज्य में स्थित है। उन्होंने पेंटिंग में प्रशिक्षण प्रसिद्ध डच पोर्ट्रेस्ट थियोडोर जेंसन से प्राप्त किया था। He received widespread acclaim after he won an award for an exhibition of his paintings in Vienna in 1873. Vienna कहाँ है? तो हम जानते ही हैं कि यह यूरोप में स्थित ऑस्ट्रिया देश की राजधानी है। राजा रवि वर्मा's paintings were also sent to the world's Columbian exposition, जो कि शिकागो में हुआ था in 1893, and यहां इनको 3 स्वर्ण पदक भी प्राप्त हुए। इनकी चित्रकला ज्यादातर भारतीय mythological characters और महाभारत की कथाओं पर निर्भर थी। इन्होंने 1894 में घाटकों पर मुंबई में एक लिथोग्राफिक प्रिंटिंग प्रेस की भी शुरुआत करी थी, और अपने समय में भारत का यह सबसे बड़ा और सबसे नवीन प्रेस था। Therefore, he is regarded as one of the first artists in India to use printmaking. In 1904, Viceroy Lord Curzon ने on the behalf of British King Emperor राजा रवि वर्मा को केसरे हिंद गोल्ड मेडल प्रदान किया था। इनके द्वारा करी गई कुछ लोकप्रिय और बेहद प्रसिद्ध रचनाएं हैं मोहिनी प्लेइंग विद अ बॉल, विलेज बेले एंड शकुंतला। और अब इसके साथ चल के देखते हैं आज का अगला फैक्ट कौन सा है। ये संबंधित है 1891 से, जब एमिनेंट तमिल पोएट भारती दासन वाज बोर्न, अर्थात प्रख्यात तमिल कवि भारती दासन का जन्म आज ही के दिन हुआ था। कनगसबाई सुब्रुथम, popularly known as Bharatidasan, 20th century के प्रसिद्ध तमिल पोएट एंड राइटर थे, जिन्हें ज्यादातर सोशल और पॉलिटिकल मुद्दों पे इनके लेखन के लिए याद किया जाता है। He was deeply influenced by the pioneer of modern Tamil poetry, who is Subramanya Bharati. इनका लेखन तमिलनाडु में द्रविड़न आंदोलन को डेवलप और प्रोत्साहित करने के लिए बेहद इंपैक्टफुल था। इन एडिशन टू पोएट्री, हिज व्यूज फाउंड एक्सप्रेशन इन अदर फॉर्म्स सच एज प्लेज, फिल्म स्क्रिप्ट्स, शॉर्ट स्टोरीज एंड एसेज। इनके द्वारा लिखा गया एक फेमस गाना पॉन्डिचेरी यूनियन टेरिटरी का स्टेट सॉन्ग घोषित किया गया। भारतीदासन वॉज कन्फर्ड विद द टाइटल ऑफ पुराथची कविंग्यार, जिसका अर्थ होता है रिवोल्यूशनरी पोएट। ही वॉज गिवन द साहित्य एकेडमी अवार्ड पोस्थमसली इन 1970 फॉर हिज प्ले पिसी रंथयार।
वर्ष 2001 में अ कोमेमोरेटिव स्टैंप ऑफ भारती दासन वॉज रिलीज्ड बाय द पोस्टल डिपार्टमेंट इन चेन्नई. इन फैक्ट द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु हर वर्ष भारती दासन अवार्ड प्रस्तुत करती है टू दोज पीपल हु हैव आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ तमिल पोएट्री. और अब इसके साथ आइए चल के देखते हैं आज का अगला फैक्ट, जो है संबंधित 1919 से, जब फेमस इंडियन तबला प्लेयर उस्ताद अल्लाह रखा वाज बोर्न, अर्थात प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा का जन्म आज ही के दिन हुआ था. उस्ताद अल्लाह रखा कुरेशी को अल्लाह रखा के नाम से भी जाना जाता है. यह एक प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक थे जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विशिष्ट थे. He was a frequent accompanist of sitar player Ravi Shankar and he was largely also responsible for having introduced tabla to the western audience. Inka sambandh Jammu se tha. Inhone popularize kiya tha the art of tabla playing across the globe, elevating the status and the respect of the instrument itself. Unhone ब्रिज भी किया द गैप बिटवीन कर्नाटिक म्यूजिक एंड हिंदुस्तानी म्यूजिक बाय प्लेइंग विद बोथ रेनाउंड कर्नाटिक म्यूजिशियंस एज वेल एज फेमस हिंदुस्तानी स्टॉलबर्ड्स. रविशंकर एंड अल्लाह रखा डियो ने भारत को कई बार इंटरनेशनल म्यूजिक फेस्टिवल्स में भी रिप्रेजेंट किया. इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1977 और संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड भी इन्हें मिला था इन 1982. उनके पुत्र उस्ताद जाकिर हुसैन भारत के जाने माने तबला वादक और कंपोजर हैं. और यहाँ ये भी याद रखिए आप कि इन 1999 जाकिर हुसैन वॉज अवार्डेड द यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल इंडाउमेंट फॉर द आर्ट्स नेशनल हेरिटेज फेलोशिप विच इज द हाइएस्ट अवार्ड गिवन टू ट्रेडिशनल आर्टिस्ट एंड म्यूजिशियंस. तो अब आइए चल के देखते हैं इसके साथ आज का अगला फैक्ट, जो कि संबंधित है 1958 से, जब फेमस इंडियन राइटर रामचंद्र गुहा वाज बोर्न, अर्थात प्रसिद्ध भारतीय लेखक रामचंद्र गुहा का जन्म हुआ था. रामचंद्र गुहा एक भारतीय लेखक हैं जिनके रिसर्च इंटरेस्ट्स में पर्यावरण, सामाजिक इश्यूज, अर्थशास्त्र, राजनीतिक और क्रिकेट इतिहास जैसे विषय शामिल हैं. इनका संबंध उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून शहर से है. उन्होंने अपनी रिसर्च करी थी ऑन द सोशल हिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट्री इन उत्तराखंड विद स्पेशल फोकस ऑन चिपको मूवमेंट. इसको बाद में द अनक्वाइट वुड्स के नाम से प्रकाशित किया गया था. रामचंद्र गुहा ने कई लोकप्रिय किताबें लिखी हैं जैसे कि इंडिया आफ्टर गांधी इन 2007 और गांधी बिफोर इंडिया इन 2013. ही आल्सो रोट गांधी द इयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड 1914 टू 1948. इसके अलावा भी इन्होंने क्रिकेट पे एक्सटेंसिवली एज अ जर्नलिस्ट एज वेल एज अ हिस्टोरियन लिखा है. इनकी फेमस बुक A Corner of a Foreign Field, The Indian History of a British Sport, published in 2002 भी बेहद प्रसिद्ध हुई. इनके द्वारा जीते गए कुछ पुरस्कार हैं पद्म भूषण इन 2009, द साहित्य एकेडमी अवार्ड फॉर हिज बुक इंडिया आफ्टर गांधी, द अमेरिकन Historical Association, जिसे AHA भी कहा जाता है, has conferred its honorary foreign member prize for the year 2019 on Ramchandra Guha. यहाँ ये भी याद रखने वाली बात है कि ये तीसरे Indian historian है to be recognized with this honor by the association. और बाकी दो हैं रोमिला थापर and जादुनाथ सरकार. और अब चल के देखते हैं आज का अगला फैक्ट, जो संबंधित है 1997 से, जब द केमिकल वेपन्स कन्वेंशन एंटर्ड इनटू फोर्स, अर्थात द केमिकल वेपन्स कन्वेंशन लागू हुआ था. द केमिकल वेपन्स कन्वेंशन CWC एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है विच बैन्स द यूज ऑफ केमिकल वेपन्स और इट रिक्वायर्स देयर डिस्ट्रक्शन विद इन अ स्टिप्यूलेटेड पीरियड ऑफ टाइम. यह कन्वेंशन
3 सितंबर 1992 को तैयार किया गया था और 13 जनवरी 1993 को हस्ताक्षर के लिए प्रपोज किया गया था। फाइनली 29 अप्रैल 1997 से यह इफेक्टिव हुआ। The Organization for Prohibition of Chemical Weapons, OPCW, इस कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट करता है और इस ऑर्गेनाइजेशन के मुख्यालय द हाग में स्थित है, जो कि नीदरलैंड देश में आता है। इंडिया ने इस ट्रीटी को साइन किया था इन जनवरी 1993 और उसके बाद केमिकल वेपन्स कन्वेंशन एक्ट 2000 वाज पास्ड इन पार्लियामेंट टू इम्प्लीमेंट द CWC। ये एक्ट एप्लीकेबल है टू ऑल सिटीजंस ऑफ इंडिया। और अगर बात करें 2021 तक की, तो तकरीबन 193 स्टेट्स अक्रॉस द वर्ल्ड आर अ पार्टी टू द CWC और इसके ऑब्लिगेशंस को एक्सेप्ट भी करते हैं। इजराइल हैज साइंड बट नॉट रेटिफाइड द अग्रीमेंट, व्हाइल 3 अदर UN मेंबर स्टेट्स सच एज इजिप्ट, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ सूडान ने ना ही इस पे हस्ताक्षर किए हैं और ना ही इस ट्रीटी को एसीड किया है। यह अग्रीमेंट प्रतिबंधित करता है द डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, एक्विजिशन, स्टॉकपाइलिंग और रिटेंशन ऑफ केमिकल वेपन्स, ट्रांसफरिंग ऑफ केमिकल वेपन्स, यूजिंग केमिकल वेपन्स या यूजिंग रायट कंट्रोल डिवाइसेस एज वॉरफेयर मेथड्स। भारत में 2000 एक्ट ने प्रोवाइड किया था फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ नेशनल अथॉरिटी फॉर केमिकल वेपन्स कन्वेंशन। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। और अब चल के देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आज हमारे साथ हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज, नेम द फेमस इंडियन पेंटर हु रिसीव्ड द केसरे हिंद मेडल बाय द ब्रिटिश वॉइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कर्जन। अर्थात कौन थे वो प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार जिन्हें ब्रिटिश वॉइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कर्जन के द्वारा केसरे हिंद मेडल प्रदान किया गया। ऑप्शंस है ए तायब मेहता, बी राजा रवि वर्मा, CMF Hussain या D. Nandlal Bose. The next question is, who is regarded as the pioneer of modern Tamil poetry? अर्थात आधुनिक तमिल कविता के अग्रदूत के रूप में किसे याद किया जाता है? Options है A. Subramanya Bharati, B. Bharatidasan, C. Thiruvalluvar या D. Suratha. The next question is, which famous Indian tabla maestro had won the United States National Endowment for Arts National Heritage Fellowship? अर्थात ये प्रसिद्ध fellowship किस भारतीय तबला वादक को प्रदान किया गया था? Options है A. Fazal Qureshi, B. Ustad Ala Rakha, C. Ustad Zakir Hussain या D. Taufeeq Qureshi. The next question is, who is the author of the famous book India After Gandhi? अर्थात इंडिया आफ्टर गांधी नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक का नाम आपको बताना है। ऑप्शंस है ए रामचंद्र गुहा, बी रोमिला थापर, सी बिपिन चंद्रा या डी रामशरण शर्मा। विद दिस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डिड द केमिकल वेपन्स कन्वेंशन अर्थात CWC एंटर इनटू फोर्स, अर्थात किस वर्ष में CWC लागू किया गया था? ऑप्शंस है ए 1995, बी 1996, सी 1997 या डी 1998। और आज का आखिरी और छठा क्वेश्चन है, वे आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स सिचुएटेड। अर्थात द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एम्स्टर्डम, बी द हाग, सी रोटरडम या डी लंदन। और अब इन सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और कुछ बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ आज के इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बेहद लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो प्लीज आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और इन सभी क्वेश्चंस के उत्तर हमारे साथ जल्दी से जल्दी शेयर करते रहिए। विद दिस थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ एंड हैव अ ग्रेट डे।